टीवी देखते हो? टीवी टीवी सीरियल देखते हो ना? मूवी देखते हो? मूवी कुछ देखते होंगे या कुछ नहीं देखते होंगे? मूवी देखते हो? मूवी तो मूवी में कितने सारे हीरो हीरोइन सब कुछ आते हैं। ये छोटी टीवी को जब ऑन करते हैं तो टीवी को ऑन करते ही उसमें कार्टून आने लगते हैं, उसमें सीरियल आने लगते हैं, उसमें मूवी आने लगती है। एक टीवी के सामने बैठकर के इतने सारे सीरियल दिखाई देते हैं, कितने सारे न्यूज दिखाई देती है। एक टीवी के सामने बैठकर के हम संसार की न्यूज को देख लेते हैं। इसी तरह से एक बार भगवान के सामने बैठने से ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को प्राप्त करते हैं। तो हमें टीवी देखने से क्या मिलेगा? दुनिया की जानकारी, न्यूज। न्यूज कितने अक्षर हैं? चार अल्फाबेट NEWS। N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट, S फॉर साउथ। जहां पर चारों दिशाओं की जानकारी हो उसे न्यूज कहते हैं, और जहां पर ब्रह्मांड की सारी जानकारी हो उसे हम भगवान कहते हैं। तो इसलिए टीवी देखना अच्छा है या भगवान को देखना अच्छा है? भगवान को देखेंगे तो हम भाग्यवान बनेंगे, और जो भगवान को नहीं देखेगा वो भाग्यवान नहीं बन सकता है। तो जब सबसे पहले उठ करके हमें अपने हाथों को देखना, इसको देखना। देखो सभी के हाथ में मुंह बना है, देखना मुंह बना है ना, क्या काम बना है ना। देखो ऐसे करके देखो सभी के हाथ में मुंह बना है, और चांद पर सभी को जा रहे हैं। आज सारे वैज्ञानिक कहाँ पर जा रहे हैं? चांद पर जाते हैं। कोई ट्रेन से जाता है, कोई हेलीकॉप्टर से जाता है। तो चांद पर जाने के लिए हमारे हाथों में भगवान ने क्या बना दिया? चार बना दिया है। तो सबसे पहले अगर कि किसको देखना? अपने हाथों को देखना। हाथों को देखने के बाद अपने अपने भगवान का नाम लेना। कौन से भगवान जी के पास जाते हो? कौन से भगवान जी के पास जाते हो? भगवान जी पास जाते हो? बसवेश्वर, शिवाजी, शिव भगवान, शिव भगवान, शंकर भगवान, उनके पास जाते हो ना। ओम नमः शिवाय। वह कार्टून जैसा बनता है, और जो भगवान के सामने बैठता है वह भगवान के सामने। तो यहाँ जो बच्चे हैं, एक प्रश्न पूछूं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो बड़े होकर के डॉक्टर बनना चाहते हैं? डॉक्टर किसके सपने हैं? डॉक्टर एक दो तीन, जो भगवान के सामने जैसे हाथ खड़ा करेगा वैसा ही बनेगा। डॉक्टर किस किस को बनना है? एक दो तीन चार पांच, नीचे हाथ कर दो। कितने लोग बड़े होकर के कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं? कंप्यूटर इंजीनियर, एक दो तीन चार, अच्छा नीचे हाथ कर दो। कितने बच्चे ऐसे हैं जो बड़े होकर एक्टर बनना चाहते हैं? एक्टर, वो एक्टर बने। बहुत अच्छी बात है, नीचे हाथ कर दो। और कितनी बालिका यहाँ बालिकाएं बैठी हैं, गर्ल्स भी बैठी हैं, कितनी गर्ल्स ऐसी हैं जो बड़े होकर के इंदिरा गांधी जैसा बनना चाहती हैं, प्रतिभा पाटिल जैसी बनना चाहती है, प्रतिभा पाटिल जैसी बनना चाहती है, नहीं बनना चाहती है? कितनी नहीं बनना तो क्यों हाँ कितनी गर्ल्स ऐसी हैं जो चाहती हैं कि मैं अपने मम्मी पापा की सेवा करूं? कितने लोग चाहते हैं मैं मम्मी पापा की सेवा करूं? देखो
एक आप लोग एक हाथ रखिए, एक हाथ मम्मी का है कि पापा का, तो दोनों हाथ होंगे तो मम्मी के भी होंगे और तो मम्मी के साथ रखना चाहते हो ना, पापा के साथ रखना चाहते हो ना। हाँ, एक छोटा काम करें जीवन में, यदि अच्छे नंबर लाना है, आप लोग पढ़ते हैं ना, एजुकेशन प्राप्त करते हैं ना, तो कितने बच्चे ऐसे चाहते हैं कि मैं हर साल फर्स्ट क्लास पास हूँ, फर्स्ट क्लास, एक क्लास आए, अच्छे नंबर आए। कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं अच्छे नंबर लाऊं, जिनको अच्छे नंबर लाना हो, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट ग्रेड लाना हो, सबको लाना है ना। अब नीचे आप कर लो, अब मैं कुछ बातें आपसे कहूंगा। देखिए बच्चों, यदि हम कुछ अच्छा बनना चाहते हैं तो अपने गुरु जी की चरण वंदना करें। क्या सुनने का पैर रोज अपने गुरु जी की पैर सुनने से गुरु जी की एनर्जी प्राप्त होती है। माता पिता की चरण वंदना करने से माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो